कि हम लोग पहुंच चुके हैं नक्या वाटरफॉल के रास्ते पे, और यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कोरबा नक्या जलप्रपात आपका हार्दिक स्वागत करता है। और यहाँ से कच्ची सड़क रास्ता गया हुआ, इसी में अंदर जाना है कुछ मीटर तक, फिर उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं जॉन जयंत, मैं अभी पहुंच गया हूँ नकिया वाटरफॉल और जस्ट हम लोग यहाँ गाड़ी पार्किंग करने के बाद अंदर जा रहे हैं। लोकेश भाई और बिट्टू भाई हम मेरे साथ में हैं, 4:15 हो गए हैं, बस टाइमिंग अभी आगे चल रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और मैं भी यहाँ पर दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ। नीचे जाने का रास्ता ये जो देख रहे हैं स्टॉप पे मतलब छोटा सा बना, इसी रास्ते में हमको जाना है। शिवलिंग का जगह पहुँचता है, यहाँ पर शिवलिंग भगवान का मंदिर है छोटा सा। नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे जाने का मार्ग सावधान का कच्ची रास्ता है, और हमको अभी कच्ची रास्ता में चल के जाना है। झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, और ख़तरनाक है, ट्रैकिंग है छोटा सा, और यहाँ सीढ़ी तो है नहीं, धीरे धीरे पगडंडी टाइप का बना हुआ है, और हम अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी मैं नीचे पहुंच चुका हूं नक्या वाटरफॉल में, और यहां पर आप देख सकते हो ना जस्ट मेरे पीछे में एक वाटरफॉल, और उसके जस्ट बगल में सेकंड वाटरफॉल है, और यहां जंगलों के बीच में और हरे भरे की वादियों के बीच में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहां पर। वाटरफॉल है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है मेरे पीछे में, आप देख सकते हैं ऊपर से पानी गिर रहा है और साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। उसके जस्ट बगल में अपना जस्ट पीछे में देख सकते हो सेकेंड वाटरफॉल, काफ़ी अलग दिख रहा है, और ये जो फर्स्ट वाटरफॉल है वो भी काफ़ी अलग है। कोरबा में ऐसा एक वाटरफॉल है जहाँ एक साथ दो दो वाटरफॉल, बहुत अद्भुत नज़ारे में आप। और लोकेश भाई से मैं पूछता हूँ कि उसको यहाँ आने के बाद कैसा लगा। और सच में इस वाटरफॉल के बारे में बोलूँ ना, ये अनबिलीवेबल है यार। वैसे तो कोरबा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, और यहाँ पर दो वाटरफॉल बनते हैं, एक वो और एक ये। दोस्तों ऐसा वाटरफॉल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। हमने मेहनत जरूर किया, कोरबा से 60 किलोमीटर बाइक से अपन यहाँ आए और ये नकिया वाटरफॉल के पास पहुँच गए। तो यहाँ पर दो वाटरफॉल बनती है, आप देख ही रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर आप नकिया वाटरफॉल आते हैं तो यहाँ नाइट कैंपिंग, टेंटिंग, सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट एक चीज़ से बच के रहिएगा, एक यहाँ पर बड़ा सा सुरंग है जिसको लिख दिया गया है, और ये पट्टी बनी हुई सफ़ेद कलर की, चाहे पानी कम रहे या ज़्यादा रहे उसको पार बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों वो सुरंग इतना खतरनाक है, वो अब खुद को अंदर खींचता है, यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा वाटरफॉल का, यहाँ के एटमॉस्फेयर का, यहाँ नेचर की ब्यूटी का पूरा लुत्फ़ उठाइए, बट प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। बस यही बोलना चाहूँगा कि लोकेश भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही यहाँ के बारे में, और आप लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है मुझे। आप लोग लाइक कॉमेंट्स करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।